जैसे ही जोन बना भाई एकदम से डैमेज ही बढ़ गया। अच्छा किस किस को जानना है कि लास्ट मैच में हुआ क्या था, फटाफट से कमेंट करना एक बार। अगर सिर्फ एक ही बंदे को जानना है तो नहीं बताते, बट अगर सबको जानना है कि भाई लास्ट मैच हुआ क्या था फिर बता रहा हूं मैं। अब हमारा प्लान था, ऑब्वियसली हम लोग जा सकते थे गाड़ी वाड़ी लेके, यस नया तक पहुंच सकते थे, पूरा खाली बड़ा तुम लोग को दिख भी रहा है, बट क्या होता कि हम लोग को कहीं से टिप मिली कि भाई यस नया तो ड्रॉप क्रैश है, वो कोई ना कोई टीम टारगेट करने आएगी, और तुम्हें ऑनेस नहीं मिलती ना, नहीं भी पता चलता तो भी हम लोग वहां नहीं उतरने वाले थे, ठीक है। तो अगर हम लोग यस नया चले भी जाते, हम लोग के दिमाग में एक बार ये था कि भाई अगर कोई टीम ड्रॉप फाइट लेने आ गई, और फॉर एग्जांपल कोई ऐसी टीम आ गई ड्रॉप फाइट लेने जो ऑलरेडी टॉप 10 में चल रहे हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता है वो लोग नहीं बाहर जाने वाले, ठीक है, तो वो लोग तो भाई ड्रॉप फाइट लेंगे, और यस नया इतना बड़ा है कि हम लोग कोई भी एरिया लूट सकते, इधर वाला एरिया लूट सकते, इधर वाला एरिया लूट सकते, बट स्टिल अगर कोई टीम ड्रॉप फाइट लेने आई है तो डेफिनेटली हमको मारने ही आए होंगे, तो हम चाहे यस नया में किधर से किधर भी भागे वो लोग तो अंधा रश करेंगे, एक एक बंदे पे पुश करेंगे, और ऐसे मैच में जहां पे हमें सच में पॉइंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है उसमें एक कैजुअलिटी भी होना, किसी ने फेक टिप दी, हाँ ना वही तो गया, किसी ने जो भी था, एक कैजुअलिटी भी होना भाई रिस्क है, पूरा बहुत बड़ा रिस्क है। Why Mac is replaced by Z-God? Mac has better gun power. भाई गन पावर की बात नहीं है, मैंने तुम्हें दूसरा रीजन दिया है ब्रो, है मैक बहुत अच्छा प्लेयर है नो डाउट, बट वही बात है ना, हर लाइनअप में लाइनअप का अलग सीन होता है, क्या पता किसी और लाइनअप में वो और ज्यादा बेटर कर ले। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, तो जो भी उतरेगा वो भाई मारने के लिए उतरेगा, हम कितना भी आगे पीछे भाग ले वो मार के ही मानेगा, ठीक है, उधर फाइट लेंगे लेंगे, तो इसलिए हम लोग उतर गए इधर। अब यहाँ से बहुत सिंपल हमने एक चीज की कि चलो ठीक है अर्ली फाइट अवॉइड करनी, अर्ली फाइट अवॉइड करने के लिए भैया थोड़ा लेट रोटेशन करना पड़ता है, ओके। अब हमने किया लेट रोटेशन, देखो अर्ली फाइट अवॉइड करने के दो रास्ते हो, या तो तुम अर्ली सेंटर पहुंचाओ तो दो तीन जोन तुम्हें फेवर देगा, उसके बाद तुम आराम से थोड़ा सा आगे भी कट गया तो जा सकते हो। लुक हूज हियर, स्ट्रीम चल रहा है, अरे आओ आओ इधर आओ इधर आओ। मैं जस्ट बता रहा था इनको कि मैक के साथ हुआ क्या, ध्यान एक बार फेस करना नीचे, हाय बोल दो सबको, बैठो। लोग बोल रहे हैं कि भाई मैक हैज बेटर गन पावर देन आदित्य एंड जी गॉड, सो व्हाई यू रिप्लेस्ड मैक बाय आदित्य, व्हाट विल यू से? मैंने भी सेम चीज बोली कि हर चीज गन पावर पे डिपेंड नहीं कर दिया, मैक 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 लव तो है भाई मैक को प्रॉपर, अपने आप को भाई वो तो करना जरूरी है ना डिफेंड, लोग गलत समझ रहे हैं कि मैक ने भाई हील बैटल में वो कर दिया चोक कर दिया, हाँ मैं बता रहा हूँ ना इनको, भाई देखो सीन क्या हुआ, यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है पूरी पूरी टीम। अब यहाँ पे हमारा प्लान था जो सी बिल्डिंग है यहाँ पे जाके, ये प्लान था कि यहाँ पे जाके थोड़ी देर होल्ड करेंगे और उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। अब ये लोग यहाँ पे गए, इधर देखो तुम लोग, प्ले करता हूँ मैं थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ, ये देखो पूरा घूम घाम के भाई आई डोंट नो कैसे बचते बचाते, दिल्ली की रोटेशन वैसे भी अच्छी होती है, वो ले गया यहाँ पे स्काउट वगैरह करा डेफिनेटली, और देखो पूरा ऊपर से गए थोड़ी देर नीचे होल्ड किया, आई गेस यहाँ पे होल्ड किया था ना वाई पे होल्ड करके सीधा आगे चले गए, और आगे कोई भी साउंड नहीं आया, गैसे ना कोई भी साउंड नहीं आया, कुछ फुट नहीं आया जब तक हम गए, जैसी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरे भाई वहीं पे भरना चालू, वहीं पे शायद एक को तो गाड़ी से उतार लिया था, गैस और दोनों को उतार लिया था, जॉनी और जेली को उतार लिया था, और थोड़ी देर होल्ड करवाया उसने बेचारे को, ज्यादा देर होल्ड करवाया करवा भी नहीं पाया उसके बाद, एंड देन बचा मैक लास्ट में, ठीक है देखो मैक के साथ क्या हुआ, वहां गए क्यों भाई, अरे बिकॉज वहां से पूरा ओपन था ना, तुम लोग इधर देखो अगर मान लो ये जगह हमको मिल जाती, ये जगह भी फॉर एग्जांपल एक बार को मिल जाती, बट हमने सोचा ये जगह लेते हैं जो भी था, यहां से पूरा ओपन दिखता हमें पूरा का पूरा ग्राउंड, आराम से यहाँ पे किल्स वगैरह ले सकते थे, ये बेसिकली प्लान था, क्योंकि पूरा थ्री ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे ऊपर चढ़ के आराम से किल्स मिलेंगे सब कुछ मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गए और सीन हो गया। अब मैं ऑलरेडी पीछे छोड़ गए थे बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर की कोई हुआ गड़बड़ ना हो जाए, मैं के पास कितनी फर्स्ट एड थी, 30 फर्स्ट एड थी। अब भाई फर्स्ट एड लगाना चालू किया, ठीक है फर्स्ट एड लगाते लगाते धीरे धीरे आगे आ रहा था, जब जोन बना जो कहाँ पे बना, यहाँ पे जैसे ही जोन बना ना भाई डैमेज एकदम से बढ़ गया, आई डोंट नो हाउ, इस जोन के बाद यहां तक सब ठीक चल रहा था, हर फर्स्ट एड पे हर टैप पे फर्स्ट एड लग रही थी, सारा कुछ हो रहा था, बट जैसे ही जोन बना भाई एकदम से डैमेज बढ़ गया, एक भी फर्स्ट एड चोक नहीं की, एकदम से डैमेज बढ़ा,
देन ओ क्या बोल दिया मैंने, आई डोंट नो हाउ बोल दिया होगा, बोलने की आदत है।